गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट, अ विजन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज फिर से लेके आए करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28 अप्रैल 2020। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हबल स्पेस टेलीस्कोप जो लॉन्च हुआ था, वो अपना कितना साल मनाया जा रहा है रिसेंटली, कितने साल का हो जाएगा उसका लॉन्च का डेट एज ऑन 2020 2020 में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 साल। हबल टेलीस्कोप ऑफन रिफर, जिसको हम लोग ऐसे HST बोलते हैं या फिर हबल बोलते हैं, वो लॉन्च हुआ था अर्थ के लोअर ऑर्बिट में इन 1990 में लॉन्च हुआ था। और वो ऑपरेशन में है, उसका काम है कि बहुत अच्छे अच्छे प्रिटी इमेजेस भेजता है बहुत सारे, और डाटा कलेक्ट करके यूनिवर्स का भेजता है हमको। तो उसका 30 साल कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ एक स्टैटिक क्वेश्चन ये बता दें कि हबल टेलीस्कोप को अगर किसने लॉन्च किया पूछा गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्पेस एजेंसी है नासा और यूरोपियन एजेंसी स्पेस एजेंसी दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। तो उसका 30 साल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टॉप रैंकिंग जो टाइम्स हायर एजुकेशन THE का इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 आया है, उसमें इंडियन यूनिवर्सिटी में टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी कौन सा है, उसमें जो पूरा वर्ल्ड का ग्लोबली का यूनिवर्सिटीज को रैंक करते हैं, तो उसमें टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी कौन सा है जो टॉप में है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IIT खड़गपुर, क्योंकि बंगाल में IIT खड़गपुर को 57th रैंक मिला है ग्लोबली टाइम्स हायर एजुकेशन में 2020 के इम्पैक्ट रैंकिंग में। अब बता दें कि ये जो इंस्टीट्यूट है, इसका रिसर्च एरिया को लेके इसको रैंक किया जाता था कि इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जो कि यूनाइटेड नेशन हर साल उन लोगों को सेट करके देता है, उसको रीच करने के लिए रीच किए हैं, तो उसके हिसाब से रैंकिंग किया जाता है। रैंकिंग में यह भी देखा जाता है कि पॉजिटिव सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द प्लेनेट क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, जेंडर इक्वेलिटी क्या है, और गुड हेल्थ और वेलबींग क्या है वहां पे। तो यहाँ पे ये सब पैरामीटर को चेक करके रैंकिंग दिया जाता है, और इंडिया में IIT खड़गपुर को 57 मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं कि टॉप में पूछ सकता है तो टॉप में क्या है। तो यहाँ पे टॉप में जो यूनिवर्सिटीज रखा गया उसमें हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, और ला ट्रोब यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलियन ग्लोबली जो मेन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है उन्हीं को टॉप में रखा गया। आपको ये भी बता दें कि कुछ इंडियन यूनिवर्सिटी जो थी, जो कि IIT जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने पैरामीटर्स और ट्रांसपेरेंसी के प्रोसेस को देखते हुए कि ये मतलब सही नहीं है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है रैंकिंग का, इसलिए उसमें पार्ट नहीं लिया था। तो यहाँ पे हमारा 57th में हो जाएगा आपका IIT खड़गपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे है कि 100% प्लांट लोड फैक्टर किस पावर प्लांट ने अचीव किया है, लार्जेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया जो है वो किसने लॉन्च किया है, यहाँ पे पावर प्लांट के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NTPC विंध्याचल, जो NTPC जो नेशनल थर्मल पावर जो प्लांट होता है उसमें NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC एक्चुअली जो होता है उसका फुल फॉर्म है। तो उसमें जो विंध्याचल का जो पावर प्लांट है उसने 100% प्लांट लोड फैक्टर अचीव किया है। अब 100% प्लांट लोड फैक्टर का मतलब समझिए, प्लांट लोड फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो उस पावर प्लांट का एक कैपेसिटी रखा जाता है सर्टेन पीरियड के लिए, उतना मेगावाट का बिजली या फिर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है तो उतना वो अटेन कर ले उस पीरियड में। अब यहाँ पे जो विंध्याचल पावर प्लांट का था वो था 3760 मेगावाट का उत्पादन करने की क्षमता, जो कि साल में के अंत में उसने अचीव किया, जो उसका टाइम ड्यूरेशन था उसमें अचीव कर लिया था। और ये जो NTPC विंध्याचल जो है वो सिंगरौली के डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। आपको NTPC के बारे में बता दें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसका काम है कि इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंगेज बिजनेस में बहुत इलेक्ट्रिसिटी और एलाइड एक्टिविटीज प्रोड्यूस करना इंडिया के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट अपना स्टेक 3.39% से 4.49%, मतलब कि 1.1% का इंक्रीज किया है, किस इंडियन बैंक में, किस इंडियन बैंक में अपना स्टेक 1.1% से इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो आंसर है बंधन बैंक, सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने अपना स्टेक 1.1% से इंक्रीज कर दिया, अब उसका 4.49% कर दिया गया है, जो कि एक अब जो है ये होल्ड करता है 72 मिलियन शेयर इन कोलकाता बेस्ड बंधन बैंक, जो कोलकाता का बेस्ड मतलब इसका हेडक्वार्टर भी समझ जाए कि बंधन बैंक का हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो कोलकाता में हो जाएगा। तो उसका जो हेडक्वार्टर है उसमें 72 मिलियन शेयर अब ये जो कैलेडियम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये जो आपका सिंगापुर का एक है इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसने होल्ड कर लिया है। इसमें आपको बता दें कि बंधन बैंक का रिपोर्ट के अनुसार 120.85% ऑन ईयर
नेट प्रॉफिट जो था 731 करोड़ का था दिसंबर क्वार्टर में, एज कम्पेयर टू 331 करोड़ जो कि लास्ट सेम क्वार्टर था लास्ट ईयर में। अगर ये क्वार्टर का बात करें, दोनों क्वार्टर को कंपेयर करें दोनों ईयर का, तो यहाँ पे देखा है कि एक साल 331 करोड़ था, इस बार 731 करोड़, मतलब कि 400 करोड़ का इंक्रीज हुआ, तो बहुत बड़ा इंक्रीज है। और बैंक बहुत अच्छे हालत में है, और इसमें बंधन बैंक में अपना शेयर भी इंक्रीज कर दिया है सिंगापुर का एक कंपनी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कब तक के लिए घोषित कर दिया है। आपको डेट पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब तक के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, 21 अक्टूबर 2020 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर दिया। अब बैंकिंग सर्विस को क्या होगा कि प्रोविजन एक्ट, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसमें क्या होगा कि जो एम्प्लॉय जो बैंकिंग सेक्टर जो है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज और ऑफिसर करते हैं ड्यूरिंग द ऑफिसर ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द लॉ स्टार्टिंग फ्रॉम 21 अप्रैल, इसमें क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अनाउंस किए जाएंगे कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर 6 मंथ टिल 21 अक्टूबर 2020 तक, इसको पब्लिक सेक्टर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक जो रेटिंग कंपनी है CARE, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं केयर, उसने इंडिया का GDP 2020-21 में नया GDP जो दिया उसका एस्टिमेट का रेंज क्या दिया, आपको रेंज पूछा जा रहा है। तो केयर CARE जो है वो अपना GDP प्रिडिक्ट करता है, तो उसमें इस बार इंडिया का रैंक क्या रखा गया। तो केयर ने इस बार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडिया का GDP 1.1% से 1.2% रखा, बहुत नीचे गिर गया है। और एस्टिमेट पहले लगभग सब कंपनियां 4 या 4.5 या 5% के आसपास इंडिया का GDP बता रहे थे, किसी ने 5.8 भी बताया, 5.2 भी बताया। तो ये जो GDP इतना चेंज हो रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक जो आज भी देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है कोरोना वायरस पैंडेमिक, इसके वजह से इतना कमी आ रहा है GDP में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.1% से 1.2% के बीच में ही इंडिया का GDP रहेगा 2020-21 में, और ये बहुत खतरनाक स्थिति है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या फिर हमारे देश के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 का थीम क्या था, आपको थीम बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर जो कि इसका थीम रखा गया था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल अप्रैल 26 को मनाया जाता है, और ये वर्ल्ड रोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्लेइंग प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी और इनोवेशन को लेकर मनाया जाता है, और ये हर साल 26 अप्रैल को डेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एक, तो ये नोट कीजिएगा 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और थीम बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहा है, तो थीम इस बार था इनोवेट फॉर द ग्रीन, मतलब कि हम लोग अटेम्प्ट करें क्रिएट करें सेंटर टू अटेम्प्ट टू बिल्ड ए ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन मतलब एनवायरमेंट के लिए अच्छा चीज बनाए ताकि हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि HDFC बैंक ने रिलायंस कैपिटल में कितना शेयर एक्वायर कर लिया है, कितना स्टेक का शेयर एक्वायर किया है। तो वहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, 6.43% का स्टेक जो कि डेट ट्रैप रिलायंस कंपनी है उसको प्लेस करके शेयर उसका एक्वायर कर दिया है। अब HDFC कंपनी जो है, इस कंपनी ने लगभग आपको बता दें कि 25.27 मतलब 25.27 करोड़ का शेयर जो 10 में एक ये एक्वायर कर लिया, अब उसका शेयर का वैल्यू जो है 252 करोड़ हो गया है। और 6.43% जैसे ये रिलायंस कंपनी कैपिटल का इन्वोक जो कि अभी बहुत खराब हालत में उसका जो एक्वायर किया, तो इससे इसका जो शेयर बढ़ गया, अब 252 करोड़ रुपीज का हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 9 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें दिया गया है कि किसे अपॉइंट किया है गया न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, संजय कोठारी जो कि सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट थे उनको अपॉइंट कर लिया गया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो कि हेड करते हैं इंडिया के एंटी करप्शन वॉचडॉग CVC को। और अकॉर्डिंग टू राष्ट्रपति भवन जो कि नोटिस हमको राष्ट्रपति भवन से मिल गया है, न्यूज मिला है, उसमें बोला गया कि संजय कोठारी को हेड अपॉइंट किया गया जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रहेंगे अब। और वो जो मतलब कि हमारे विजिलेंस वॉचडॉग रहता है एंटी करप्शन को लेके एक टीम है जिसमें वो हेड रहेंगे। ये पोस्ट लास्ट जून से खाली था, और जब इसके पहले वाला अगर बात करें तो CVC जो थे KV चौधरी थे उनके खत्म होने के बाद ये पोस्ट वैकेंट था, तो इसको अपॉइंट कर लिया। कोठारी जो कि 1978 बैच के हरियाणा कैडर के ऑफिसर है, 2016 में रिटायर हुए थे एज ए सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग,
और फिर उनको अभी क्या अपॉइंट कर लिया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट कर लिया गया इंडिया का। यहां से आपको एक और क्वेश्चन बता दे कि कोठारी 2017 में सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट जो थे उनके सेक्रेटरी थे, लेकिन अब उनके सेक्रेटरी भी चेंज हो गए कुछ दिन पहले। हम करंट अफेयर्स में आपको बता दें, फिर बता रहे हैं कि कपिल देव त्रिपाठी हमारे प्रेसिडेंट के न्यू सेक्रेटरी बना दिए गए हैं। चलते हैं हमारे 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो आज का जो 10 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसेबल लोकली, इसका जो एक्रोनिम, ये जो पूरा एक्रोनिम है इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है वाइटल, VITL इसका नाम रखा गया, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसेबल लोकली, जो कि एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर है जिसको काम में लाया जा रहा है कोविड 19 के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए। तो उसको किसने डेवलप किया, आपको पूछा जा रहा है कंपनी या फिर एजेंसी का नाम जिसने इसको डेवलप किया कोविड 19 के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा नासा, नासा के जो इंजीनियर्स है, जो यूएसए का जो स्पेस एजेंसी है उसके जो इंजीनियर्स है उन्होंने एक इजी टू बिल्ड बहुत ही हाई प्रेशर वेंटिलेटर डेवलप कर लिया और इसको अपने लास्ट स्टेज में क्रिटिकल टेस्ट में जो पास हो जाएगा तो उसके बाद ये न्यूयॉर्क में पास भी किया जा चुका है। अब ये कोविड 19 के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में लागू हो जाएगा। इसका जो नाम रखा गया वाइटल या फिर उसका पूरा एक्रोनोमी जो है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसेबल लोकली, इसको जो कि एपी न्यूयॉर्क में ही इसका टेस्ट हुआ है। तो जो न्यूयॉर्क जो है अभी आपको बता दें कि वो यूएसए का कोविड 19 का एपी सेंटर है, वहीं पे सबसे ज्यादा कोविड 19 के पेशेंट्स हैं अभी यूएसए में। तो उसमें क्या हो रहा है कि अब यूएसए का ऐसा हालत हो गया, सबसे डेवलप्ड और सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड कंट्री का ऐसा हालत है कि उसके पास हॉस्पिटल में बेड कम पड़े या फिर वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं कोविड 19 के पेशेंट के लिए। इतने पेशेंट हो उसमें उस कंट्री में 50,000 से ज्यादा मौत भी हो चुकी है। तो अब ये पेशेंट अगर इसको मतलब गो थ्रू मिल जाता है तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट होगा पेशेंट्स का जिनका माइल्ड सिम्टम्स भी है, जिनका बहुत कम दिक्कत है, कोविड 19 के सीवियर पेशेंट हो या फिर कम सिम्टम्स वाले पेशेंट हो, सबका ये इसका इससे ट्रीटमेंट होगा। और ज्यादा से ज्यादा ये गवर्नमेंट मतलब नासा के एजेंसी ने इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा अपने गवर्नमेंट के लिए ताकि कुछ हद तक कोविड 19 के पेशेंट्स को ठीक किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा को ठीक किया जा सके और इसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ सके। थैंक यू वेरी मच।